हेलो चिल्ड्रेन, हाय, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। यस, माय लविंग स्टैंडर्ड 4। अच्छे हो ना सब लोग? बेटा मजे में ना? एंड हेल्थ हेल्थ भी अच्छी है ना? यस, ओके। बहुत सारे मिठाई विठाई सब खाई होगी। एक्चुअली मैंने कल तो बात की थी, लेकिन आज फिर से पूछ रहे ना हूँ। नाउ अगेन वेलकम्स टू विजय सर्स मैथ्स मैजिक क्लास, एंड टुडे वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर नंबर 8, कार्ड्स एंड विल्स। ओके, नाउ टुडे वी विल प्ले अ गेम। यस, ऑनलाइन गेम प्ले करते हैं। ऑनलाइन खेलना है? अच्छा, पबजी पे? पबजी की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। ओके, तो कौन सा? वाइस सिटी खेलना है? नो, वाइस सिटी भी नहीं खेलना है। क्या खेलना है फिर? अच्छा, ये वाला गेम देखो। ऑनलाइन बेटा मतलब मैं आखिर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? तो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट इन दिस गेम। ये गेम जो है ना, विलेज गेम है। हाँ, कभी कभी यहाँ पे आई थिंक स्कूल में भी आपको खिलाया होगा ना, ये वाला गेम प्ले किया है, गेम्स विद सर्कल्स। ओके, सो टुडे अवर टॉपिक इज गेम्स विद सर्कल। ओके, कौन सा टॉपिक है हमारा? गेम्स विथ टॉपिक लेक्चर 2 है ना हमारा। चिल्ड्रन आर प्लेइंग सम गेम्स। देखो देखो, ये लड़के ने ना हैंकी लिया हाथ में, रुमाल, और ये भाग रही है। यस, ये इसके पीछे भाग रही है इसके। अच्छा, आप लोग ने खेला होगा ना? हम लोग सब नीचे ऐसे बैठ जाते हैं, फिर ऐसे मुंह नीचे कर देते, फिर एक के पीछे हैंकी डाल देते, फिर वो बोलेगा जाओ, गो गो ऐसे बोलते हैं ना, फिर वो दौड़ेगी उसके पीछे, इसके पीछे ये दौड़ेगी, बराबर। इसको इसे पकड़ना, ऐसा होता है ना कि रुमाल वाले को पकड़े, ये हैंके वाले को पकड़ने का होता है। आपको पता नहीं ये गेम के बारे में? ओके, ये गेम 1 है और ये गेम 2। तो ये गेम हमने खेला होगा, बराबर। यस, गेम 2। अब ये गेम 2 के अंदर कैसा है कि यहाँ से ये सब लोग इसको बोलेंगे दौड़ने के लिए ना, ऐसे ही कुछ है इसको। और ये जो सर्कल के अंदर हैंकी है, जो सबसे पहले हैंकी उठा लेगा, एंड द ही और शी विल बी विनर, है ना? ऐसा ही होता है ना कुछ? मुझे ये गेम के बारे में नहीं, लेकिन ये गेम तो मैंने भी बहुत सारा खेला है बेटा। यस, ओके। तो चलो इसके अंदर हम लोग थोड़ा देखते हैं, राइट? डू यू प्ले दिस गेम्स? तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? यस यस, आई प्ले और वी प्ले दिस गेम्स। विच सॉन्ग डू यू सिंग व्हेन यू प्ले दिस गेम? ओके, ये जब गेम खेलते हैं ना, तो हम लोग कौन सा सॉन्ग गाते हैं? तो देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा है, रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे। बोलते हैं ना, बरसात आ रही है ना, अभी बारिश, बरसात बरसात, जाओ फिर से आओ दूसरे दिन, यानी अनदर डे। ओके, ऐसे कुछ सॉन्ग भी होते हैं ना, रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे, प्ले दिस गेम्स इन योर स्कूल्स। आप लोग स्कूल में आओगे ना बेटा, तो मैं पीटी वाले सर से बोलूँगा, ठीक है ना, आपको ये गेम खिलाएंगे, या तो फिर मैं भी खिलाने ले जाऊँगा, डोंट वरी। ओके, लेकिन जब स्कूल आएंगे ना तब, या तो फिर आप गांव गए हो या गांव में हो ना, और गांव से आप लोग ये ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, तो आप गांव में भी ये गेम और भी फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो। बहुत मजा आती है ना ये सर्कल वाली गेम। ओके, तो क्वेश्चन है हमारे लिए, व्हाई डू वी मेक अ सर्कल इन ईच ऑफ दिस गेम्स? अच्छा, हम लोग ये सारे गेम्स के अंदर सर्कल क्यों बनाते हैं, कौन बताएगा मुझे? बिकॉज सम गेम्स आर प्लेइंग विथ सर्कल। ओके, हम लोग सब गेम्स होती है ना, वो सर्कल के साथ ही हम लोग खेलते हैं ना, इसीलिए हम लोग सर्कल बनाते हैं। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? यस, बोलो क्या लिखेंगे इसका आंसर हम लोग? ओके बेटा, तो इसका आंसर आप लोग लिख लो, बिकॉज दिस टाइप्स ऑफ गेम्स मेड विथ सर्कल। ओके, ये गेम सर्कल के साथ बनी हुई है, एंड इट्स प्लेड ऑल्सो विथ सर्कल। ओके, और ये गेम सर्कल के साथ खेलते हैं ना, ऐसे कुछ गेम्स होते हैं आपको ये जैसे गेम्स है, इसलिए हम लोग ये गेम के अंदर क्या बनाते हैं? सर्कल बनाते हैं। तो आपको इतने ही दो लाइन खाली आंसर में लिखना है। ओके, वॉट इफ अ रेक्टेंगल वॉज मेड? डिस्कस। मानो ये गेम के अंदर रेक्टेंगल बना होता तो क्या करते हैं? तो कुछ गेम्स ऐसी होती है ना बेटा, क्रिकेट वाली, राइट? क्रिकेट, तो क्या लिखा है? एक मिनट है, इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? सी, यहाँ पे एक आप ये वर्ड ऐड करते हैं ना, लाइक क्रिकेट, तो क्रिकेट के लिए बड़ा सा सर्कल बनता है ना। ओके, ये गेम भी खेला, ये भी, और ये लिख देना लाइक क्रिकेट। ओके, अब क्या लिखा है? व्हाट इफ अ रेक्टेंगल वाज मेड? मानो ये सर्कल की जगह रेक्टेंगल बना होता तो हम क्या करते? तो मैंने लिखा यहाँ पे, इन क्रिकेट द डिस्टेंस ऑफ बाउंड्री फ्रॉम द प्लेयर्स विल बी, ये एरो मैंने बनाया ना, ये एरो इसलिए बनाया क्योंकि ये जो गर्ल है ना, ये बीच में आ रही है बेटा, तो आप लोग इन्हें विल बी के बाद तुरंत यहाँ पे लिख देना अनइक्वल। मानो ये क्रिकेट, आपको क्रिकेट का स्टेडियम बताया, मानो कि क्रिकेट का स्टेडियम कैसे होता, राउंड होता है ना, अब मानो ये रेक्टेंगल होता,
तो क्या होता, ये जो प्लेयर्स है ना, कोई प्लेयर्स यहाँ पे खड़ा है तो देखो इसका डिस्टेंस कितना कम है, मतलब एकदम दूर हो जाएगा ये यहाँ से। कोई प्लेयर यहाँ पे खड़ा है तो ये दूर, मानो कोई प्लेयर यहाँ पे खड़ा है तो इसका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता, यानी अनइक्वल हो जाता। कैसा हो जाता, डिस्टेंस अनइक्वल। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इन क्रिकेट लिखा है ना बेटा, देखो ये रहा, इन क्रिकेट द डिस्टेंस ऑफ बाउंड्री फ्रॉम द प्लेयर्स विल बी अनइक्वल। ओके, इसका आंसर ऐसा आएगा। मानो कि रेक्टेंगल बनाओ तो क्या होता, हमको डिस्कस करना था तो मैंने डिस्कस करके आपको समझा दिया, राइट। थिंक ऑफ सम अदर गेम्स यू प्ले बाय मेकिंग सर्कल। अच्छा, और भी गेम्स के नाम लिखो, आप सर्कल बना के खेलते हो। तो एक तो क्रिकेट आ गया, क्रिकेट का स्टेडियम देखा है ना आपने, फिर और छोटे छोटे गेम्स कौन से, म्यूजिकल चेयर रेस, म्यूजिकल चेयर रेस खेली ना, हाँ ऐसे चेयर होती है ना, फिर हम लोग ऐसे ऐसे राउंड घूमते हैं उसके, म्यूजिकल चेयर रेस। फिर पासिंग अ पार्सल, पासिंग एक ऐसे सर्कल बना के बैठ जाते हैं, फिर कुछ पिकनिक मनाने जाते हैं या फिर घर पे हम लोग गेम खेलते हैं, इंडोर गेम्स या आउटडोर गेम दोनों में उसका मतलब समावेश होता है, राइट। तो पासिंग अ पार्सल मतलब ऐसे सर्कल बना के बैठ जाऊँ, एक इसके पास कुछ पार्सल या कुछ चीज़ है इसके पास, मानो ये इसको पास करेगा और पीछे इन लोग के सामने मुंह रख के नहीं बैठेगा, कोई दूसरा दूर बैठेगा वो म्यूजिक बजाएगा, बराबर। ये इसको कोई पार्सल या कोई भी चीज़ होगी वो पास करेगा, फिर ये इसको पास करेगा, ये इसको पास करेगा। हाँ, इसकी जगह हम लोग बॉल भी ले सकते हैं, ये इसको बॉल देगा, ये इसको बॉल देगा, ये इसको बॉल देगा, कुछ भी चीज़ ले सकते हैं, हैंगी भी ले सकते हैं। जैसे वो म्यूजिक बंद होगा और मानो इसके पास रह गया तो वो क्या हो जाएगा, गेम में से आउट हो जाएगा, बताए ना ये से। तो हम ऐसी गेम को क्या बोलते हैं, पासिंग अ पार्सल एटसेट्रा, बराबर। और भी गेम्स के नाम आता हो तो आप लिख सकते हो। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मेकिंग अ सर्कल। आपको सर्कल बनाने आता है बेटा, देखो ये चैप्टर हमने बोला था हम लोग मोस्टली सर्कल के बारे में लर्न करने वाले हैं, राइट। नैना, चिप्पू एंड अर्चना वॉन्ट टू प्ले अ गेम। अच्छा, नैना, चिप्पू एंड अर्चना एक गेम खेलना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू मेक अ बिग सर्कल ऑन द ग्राउंड। वो एक बड़ा सा सर्कल बनाना चाहते हैं ग्राउंड के ऊपर, राइट। बट दे कैन नॉट मेक इट बाय ट्रेसिंग, लेकिन वो उसे बना नहीं पा रहे हैं, यानी बना नहीं पा रहे मतलब नहीं सकते। सो अर्चना ट्राइज टू ड्रॉ अ सर्कल विथ स्टिक। अब स्टिक जानते हो ना, ये तो पेंसिल है, ओके। हाँ, स्टिक कितने कितने लोग ने मार खाई है भाई स्कूल में, स्टिक से, टीचर से, सर से। अच्छा, स्टिक थोड़ी ना भूल सकते हो ना आप लोग बेटा। तो वो स्टिक से क्या हो गया, उसने सर्कल बनाया, देखो ये रहा, इन्होंने ये स्टिक, ये रहा, देख रहे स्टिक दिख रही है, डंडा, वन टाइप ऑफ डंडा, राइट। तो वो स्टिक से देखो इसने सर्कल बनाया। अब देखो ये स्टिक रखी हुई है, इसने ये सर्कल बनाया है ग्राउंड के ऊपर। अब ये तीनों जन ने बनाया, इसने इसने इसने, मुझे तो एक भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक नहीं दिख रहा है, देखो तीनों में से किसी का। इसने लगता है पेड़ के ऊपर से तोड़ दिया, ट्री के ऊपर से एक स्टिक मतलब तोड़ दिए, उसी से बनाया है। सो यहाँ पे लीव्स भी दिख रही है, ओके। देखते हैं अभी क्या लिखा है, चिप्पू एंड नैना क्या कहा उन्होंने, इट डज नॉट लुक लाइक अ सर्कल एट ऑल। चिप्पू और नैना क्या बोल रहे हैं कि भाई ये रहे देखो, बोले ये तो कोई भी एंगल से सर्कल नहीं लग रहा है, कोई भी एंगल से सर्कल लगता नहीं क्योंकि कुछ अलग ही कोई शेप है, कुछ अलग ही दिख रहा है। अर्चना से ओके, ये अर्चना ने क्या बोला, ओके वाई डोंट बोथ ऑफ यू ट्राई। अच्छा, तो तुम दोनों ही ट्राई क्यों नहीं कर रहे थे, चलो तुम दोनों ही कोशिश कर लो, ओके। तो अब देखो वो दोनों ट्राई कर रहे हैं, देखो अब उन दोनों ने भी ट्राई किया, देखो अब क्या होता है। फिर चिप्पू एंड नैना बोथ मेक सर्कल्स ऑन द ग्राउंड। अब इन दोनों ने भी सर्कल बनाया, दिख रहा है दोनों ने भी सर्कल, लेकिन ये भी कोई एंगल से मुझे सर्कल ठीक से नहीं लग रहा है। इज एनी ऑफ दिस गुड ड्राइंग ऑफ अ सर्कल, नो। इसका आंसर हम लिखेंगे नो, नो, नन ऑफ दिस, NONE लिखा है बेटा स्पेलिंग, नन ऑफ दिस। अब ये आगे वाली लाइन आप कंप्लीट करना, नन ऑफ दिस अ गुड ड्राइंग ऑफ अ सर्कल, नो, नन ऑफ दिस, यानी इनमें से किसी ने भी ठीक गुड सर्कल बनाया नहीं है। कैन यू ड्रॉ अ सर्कल ऑन द फ्लोर विथ चॉक, ट्राई। अच्छा, आप चॉक से ट्राई कर सकते हो फ्लोर के ऊपर, तो आप लोग घर पे ना देखो, ये जैसे ये फ्लोर है अभी, ये मैं फ्लोर, ये फ्लोरिंग दिख रहा है ना, यस। तो इसके ऊपर हम लोग चॉक ले लेंगे, चॉक से आप सर्कल बना कर ट्राई करना, आप सर्कल अच्छे से बना पाते। मैं पेंसिल से ट्राई करता हूँ, देखो मैंने नहीं दिख रहा है आपको, देखो मैंने सर्कल बनाया, दिख रहा है अब आपको सर्कल, दिख रहा है ना, मैंने अच्छा सर्कल, ये देखो ये दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, यस। तो मैंने सर्कल बनाया, आप चौक से ट्राई करना, ओके। पेंसिल से मत करना भाई, मम्मी मारेगी नहीं तो, बोले किसने मतलब पूरा फर्श बिगाड़ दिया है, फिर बोलेगी।
ओके ऑल्सो ड्रॉ अ सर्कल इन योर नोटबुक यूजिंग अ पेंसिल. ओके अब पेंसिल, अब आप पेंसिल से ट्राई करना. ओके अच्छे से एक छोटा बनाना, बड़ा देखो कि आप मिनिमम है ना 3 सर्कल बनाना नोटबुक के अंदर, ठीक है. और ये घर पे चौक से ट्राई करना, देखो लिखा है ना ट्राई. ओके ये कुछ एक्टिविटीज़ है तो आप एक्टिविटीज़ से ट्राई करना. लुक एट द सर्कल्स ड्रॉन बाय योर फ्रेंड्स हु हैज ड्रॉन द बेस्ट सर्कल. अभी हमारे फ्रेंड्स ने तो कुछ अभी ड्रॉ किया ही नहीं है तो इसका आंसर हम कैसे लिखें. तो एक काम करो, मैं एक सिंपली आपको बता देता हूँ. मानो कि आपके फ्रेंड्स ने, मान लो कि आपके फ्रेंड्स ने ड्रॉ किया है ऐसा, हम लोग जस्ट मान लेते हैं, ठीक है. करना है ऐसा तो चलो अच्छा छोड़ो, अभी मैं अभी आगे आपको बताऊँ. आप एक खाली हु हैज़ ड्रॉन द बेस्ट सर्कल, तो आप एक काम करना, एक क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे लिखा बताए. आप मम्मी से भी ड्रॉ करवाओ, पापा से भी ड्रॉ इफ़ ही हैज़ अ टाइम और शी हैज़ अ टाइम. ओके या फिर कोई बड़े भाई बहन हो उनसे ट्राई करवाओ और उनका भी नाम लिख लो. मानो कि एक सर्कल बनाया दीदी ने, तो लिख दो सर्कल दीदी ने, मैंने लिखो दीदी. फिर भैया ने बनाया, लिख दो ब्रदर ब्रो. और एक आप बनाओ, इन तीनों में से किसका अच्छा है मुझे पता है, अब आपका ही नाम लिखने वाले हो. ऐसा मत करना बेटा, जिसने अच्छा बनाया उसी का नाम लिखना. तो लुक द सर्कल्स ड्रॉन बाय योर फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख. ओके हु हैज़ ड्रॉन, तो लिखना मानो आपका, मानो दीदी का अच्छा है तो लिखने का दीदी हैज़ ड्रॉन द बेस्ट सर्कल. पापा मम्मी ने, नाना नानी, जिसने भी बनाया हो सबको इस काम में लगा देना. हाँ ठीक है, और थोड़ी बहुत तो उतना तो आप करेंगे ना, बराबर सबको काम पे लगा देना. मानो 8-10 जितने भी मेम्बर्स हैं सबसे सर्कल बनाओ और जिसका बेस्ट है उसका ये नोटबुक में आंसर लिखना है, ठीक है. ये क्वेश्चन का आंसर किसमें लिखना है, नोटबुक में लिखना है ना. ओके चलो अभी देखो नेक्स्ट, मेकिंग अ सर्कल विथ रॉप. ओके बड़ा सी जो रस्सी होती है ना दूरी, उससे हम सर्कल बनाते हैं. अर्चना डिसाइडेड टू यूज नेल्स एंड थ्रेड टू मेक अ सर्कल ऑन द ग्राउंड. अच्छा नेल्स, यहाँ पे नेल्स यानी ये वाला नेल्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे किल की बात हो रही है. किल जानते हो ना, हम लोग जो दीवार में लगाते हैं, टंगाते हैं ना, फिर उसके ऊपर कुछ थैली वैली टंगा देते हैं, खिली भी बोलते हैं उसको सिंपल लैंग्वेज में, क्या बोलते हैं हम लोग, खिली बोलते हैं, राइट. तो वो नेल्स की बात है. नेल्स एंड थ्रेड, थ्रेड यानी रस्सी, धागा जो भी है कुछ, उसे एक सर्कल बनाने ग्राउंड के ऊपर. वो भी सी टूक अ थीन रॉक, एक पतली सी डोरी लाइए, धागा लाइए वो, एंड टाइड नेल्स और वो कील को उससे बांध दिया है. ऑन बोथ एंड्स, दोनों साइड से बांध दिया है एकदम नीचे. मान लो चलो मान लो ये नेल्स है तो यहाँ पे बांध दिया है, यहाँ पे नीचे बांध दिया है. ओके रोप एंड्स ऑफ द रोप. ओके ये जो डोरी थी ना उसी, इसको बांध दिया. चलो मैं थोड़ा प्रैक्टिकली बताता हूँ आपको. देखो बेटा मेरे पास अभी नेल्स नहीं है तो फिलहाल मैंने क्या किया है, अरे यार इसको तो अच्छे से बांध दिया है. मान लो ये नेल है बराबर, तो ये नेल, एक और नेल ले लेता हूँ, नेल मीन्स की पेंसिल. तो मैंने एक और पेंसिल को ऐसे अच्छे से मैं बांध देता हूँ. यू कैन सी, आप देखो यहाँ पे वीडियो में देख रहे हो ना. ओके इसको मैं बांध नहीं रहा हूँ, आप बांध के करना, आप अपने ग्राउंड बाहर सोसाइटी के बाहर के कहीं मतलब अच्छे से बनाना. चलो अब ये मान लो दोनों नेल है, ठीक है. ये एक नेल को मैंने यहाँ पे ऐसे मतलब उसके अंदर घुसा दिया है और ये दूसरा नेल है मान लो, और देखो मैं सर्कल बना रहा हूँ. ये अभी मैंने बांधा नहीं है ना, इसीलिए अच्छा नहीं हो रहा है. ओके ये यहाँ से हिलना नहीं चाहिए, ठीक है. यहाँ से बीच में से एक बार आप ऐसे लगा दोगे, ठोक दोगे ना अंदर, तो निकलने वाला नहीं है. और ये मैंने यहाँ से बांधा नहीं था ना, तो फिर उसको ऐसे चारों ओर से ऐसे घुमाओ तो ये सर्कल बन जाएगा. आप चाहो ना उतना बड़ा सर्कल बना सकते हो. ओके एज यू वॉन्ट, बड़ा सा सर्कल. ओके तो देखो ये ऐसे ही कर रहे हैं ना. कैन यू ऑल्सो मेक अ सर्कल विथ रॉप एंड नेल्स लाइक अर्चना, क्या आप ऐसे बना सकते हो? येस ऑब्वियसली बना सकते हो बेटा, ये तो बहुत मस्त गेम है ये वाली तो, ठीक है. तो मैंने अभी पेंसिल को बांधा नहीं है ना, आप लोग ये काम करना, इस तरह से बांध के आप नॉट कर देना, गांठ बांध देना नॉट करके, फिर आप ऐसे करना बराबर. यस डू द एक्टिविटी इज स्मॉल ग्रुप्स. ओके ये छोटे से ग्रुप में बनाओ, यानी आप जैसे ये दो जन मिलके बना रहे हैं ना, तो आप लोग भी दो दो जन के ग्रुप बना दो, घर में फैमिली मेम्बर्स हो उसकी भी हेल्प ले सकते हो, बना दो. ईच ग्रुप शुड टेक अ रॉप ऑफ डिफरेंट लेंथ, और हर एक ग्रुप को ना अलग अलग साइज के रॉप लेनी है, अलग अलग साइज की, यानी कोई छोटी कोई बड़ी. फॉर एग्जाम्पल आप मम्मी पापा को या किसी को है बोलो हेल्प करेंगे आपको, कोई 1 मीटर ले लो, कोई 2 मीटर ले लो, कोई 3 मीटर्स ले लो. अब मीटर के मेजरमेंट कैसे करते हैं हमने आगे चैप्टर में सीखा था ना, लॉन्ग एंड शॉर्ट, हमारा सेकंड चैप्टर था ना लॉन्ग एंड शॉर्ट, उसमें मीटर क्या होता है सेंटीमीटर क्या होता है वो मैंने आपको बताया था. तो अब मीटर में ले लो बड़ा सा बराबर. ओके एंड सी द सर्कल्स मेड बाई डिफरेंट ग्रुप्स, और जो ग्रुप जैसे इन दोनों ने मिलकर बनाया है, फिर और भी कोई एक जन मिलकर बनाएगा, और भी एक जन मिलकर बनाएगा. ओके
अब इसका आंसर लिखना है, विच ग्रुप मेड द स्मॉलेस्ट सर्कल। तो आप तीनों जैसे अलग अलग ग्रुप बनाएंगे, कोई 2 मीटर, कोई 1 मीटर, कोई 3 मीटर्स, और मानो कि जो सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप सर्कल हो ना उसके आप लिख दो विच ग्रुप मेड, मानो कि तीनों का अलग अलग नाम दे दो, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, या फिर आप अपने नाम से लिख दो। जैसे कि मानो, चलो मैं अपने सन के बारे में बता देता हूँ, मैंने और मेरे सन ने मिलकर बनाया, तो मैं लिख दूँ क्रेनिल्स ग्रुप। फिर मानो मम्मी पापा ने मिलकर बनाया, तो मैं लिखूँगा पेरेंट्स ग्रुप। फिर नाना नानी ने मिलकर बनाया, तो लिखता हूँ कि ग्रैंड पेरेंट्स ग्रुप। ओके, आप अपना नाम भी लिख सकते हो, जैसे कि निखिल्स ग्रुप, क्रैनिल्स ग्रुप, मोंटोस ग्रुप, शीलाज ग्रुप, ऐसे। ठीक है, और 3 या 4 ग्रुप बनाओ, फिर यहाँ पे लिख दो विच ग्रुप मेड द स्मॉलेस्ट सर्कल, कौन सी ग्रुप ने सर। तो मानो कि एक एग्जाम्पल लेते हम लोग, आपको मस्त मस्त प्रैक्टिकली पता चलेगा। देखो बेटा, ये तो एक्चुअली मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया है, आप लोग का ना क्या करना, प्रैक्टिकली मतलब बनाना, मतलब ये जो है ना, ये सर्कल का पॉइंट है ना, पॉइंट से यहाँ तक है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेडियस। ये सर्कल है, ये पूरा कर्व कर्व है ना, ये पूरा कर्व एरिया है, ये भी पूरा कर्व है, ये भी पूरा कर्व है। तो ये सबसे स्मॉल है, ये मान लो कि ये हम लोग जस्ट अज्यूम करते हैं, मान लो कि ये 1 मीटर है। ओके, ये हम लोग मान लेते हैं कि 1.5 मीटर है। ओके, और इसको हम लोग मान लेते हैं कि चलो 2 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, कितना मैंने मान लिया, अज्यूम के 2 मीटर। आप लोग ये मेजरमेंट मत लिखना, ठीक है, और लिख दोगे तो भी चलेगा। चलो क्या लिखा है, विच ग्रुप, अब मैं मान लेता हूँ कि ये ए ग्रुप है, ये बी ग्रुप, एंड दिस वन इज सी ग्रुप। चलो इन तीनों के ऊपर से आप ये आंसर दो, विच ग्रुप मेड द स्मॉलेस्ट सर्कल, ग्रुप ए। तो इसका आंसर मैं क्या लिख देता हूँ, ग्रुप ए। हाउ लॉन्ग वॉज देयर रॉप, उनका रॉप जो है ना, रस्सी जो दोरी, ये कितना, तो उन्होंने क्या किया होगा, ये कैसे मतलब, मानो कि प्रैक्टिकली हम लोग को समझना है। तो एक किल यानी एक नील यहाँ पे लगाया और एक नील यहाँ पे रखा है और बांध दिया है, और फिर ऐसे घूम गए पकड़ के, यहाँ पे पकड़ के ऐसे ऐसे घुमा, पूरा सर्कल घूम लिया, मतलब पूरा उसके आजू बाजू, तो ये सर्कल बन गया ना। तो ये जो लेंथ है ना, ये रॉप की लेंथ है। तो ये कितना है सबसे स्मॉलेस्ट की, 1 मीटर। डज एक्चुअली बेटा ये रियल नहीं है, मैं आपको फिर से अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये रियल नहीं है, ये आपको खाली जस्ट समझाने के लिए मैंने बनाया है, क्योंकि अभी मैं बाहर ग्राउंड में जाके ये नहीं कर सकता हूँ ना, इसीलिए। डज अ लॉन्गर रोप मेक अ बिग सर्कल, बिगर सर्कल, यस। यानी जो लंबा होगा ना, आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए, ये जो रॉप है ना, छोटा सा जो थ्रेड है, ये थ्रेड जितना छोटा होगा, मानो ये छोटा होगा तो छोटा सर्कल बनेगा, बड़ा हो तो बड़ा सर्कल बनेगा, जितना बड़ा होगा यानी जितना लॉन्गर होगा उतना बड़ा लॉन्गर सर्कल बनेगा। यस, कैन यू सी वाई, आप कैसे मतलब बता सकते हो क्यों? तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, देखो बेटा, अभी हमने मैंने बताया ना, इसको रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल, वो सर्कल का कोई भी हिस्सा होना, कोई भी यानी ये या ये सर्कल के ऊपर वाला, इसको कर्व्ड एरिया बोलते हैं। ये कर्व है, तो सर्कल का सेंटर पॉइंट और ये कर्व, ये ऐसे टच हो जाए ना, तो इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेडियस। क्या बोलते हैं बेटा इसको, रेडियस। सर ऐसे कितने रेडियस होते हैं सर्कल में, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट है, बहुत सारे। हाँ, इनफाइनाइट का मतलब क्या है, इन्फाइनिट यानी बहुत सारे, अनलिमिटेड है, जिसकी कोई हम काउंट, जैसे मैं बोलूँ कि बेटा टोटल नंबर्स कितने होते हैं वर्ल्ड में, टोटल नंबर्स कितने होते हैं, आप बोलोगे 1 to 100, अच्छा 1 to 1000, अच्छा तो 1 लाख तक, 1 करोड़, नो, इनफाइनाइट है, बराबर। तो ऐसे ही रेडियस भी कैसे इनफाइनाइट, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, बहुत सारी रेडियस ऐसे, बहुत सारी, हम लोग गिन भी नहीं सकते। तो सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर से कर्व्ड एरिया के ऊपर कोई भी, इसको लाइन सेगमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब सोचिए सर, लाइन सेगमेंट मीन्स, ओके मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेंटर पॉइंट से कर्व्ड एरिया के ऊपर ये हमने जो लाइन ड्रॉ की है ना, हाँ एक्चुअली इसको लाइन नहीं बोलते। लाइन तो कैसी होती है, दोनों साइड एरो हो ना, इसको लाइन बोलते हैं, इसमें एरो थोड़ी ना है, ठीक है, तो इसको लाइन सेगमेंट बोलेंगे। तो सेंटर पॉइंट से कर्व्ड एरिया के ऊपर लाइन सेगमेंट हम जो ड्रॉ करते हैं ना, तो ये लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, यस, रेडियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, रेडियस। इसीलिए यहाँ पे हमको जो क्वेश्चन पूछा है ना, कि डज अ लॉन्गर रोप मेक अ बिगर सर्कल, क्या जो लंबी जो रस्सी होती है ना वो बड़ा सर्कल बनाएगी, तो आंसर लिखा है यस। कैन यू से वाई, आप बता सकते हो क्यों, कैसे? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, लॉन्गर रोप मेक बिग रेडियस, सो लॉन्गर रोप, ये 2 बार रोप लिख दिया, सो लॉन्गर रोप मेक अ बिगर सर्कल।
Okay, now see what your friends have drawn. Discuss the length of the radius they measured. Is it the same as yours? अच्छा, तो अभी हम इसको friends के साथ discuss करना है, तो अभी कैसे करें? तो एक काम करो, आप फिर से इसको try कर लेना और किसका बड़ा है वो देख लेना, बराबर? या फिर आपने जो group के अंदर बनाया है ना, okay? वो group, जैसे group A, group B अभी मैंने बनाया ना, ऐसा draw करना और पता चल जाएगा। चलो, the length of rope used is equal to the length of the radius of the circle. हाँ भाई, ये क्या बोल रहा है monkey? कि ये जो रॉप होता है ना, ये रॉप, इसकी जो लॉन्ग मतलब लेंथ है ना, मानो ये मैंने यहाँ से ये यहाँ पे रखा और ये यहाँ पे था, ऐसे ऐसे, तो ये मैंने जो बनाया ना, यस ऐसे, अब मैं ये पॉइंट यहाँ पे रखूँगा और यहाँ से बनाऊँगा, तो ये जितना ये थ्रेड होगा ना, यानी कि रॉप, तो ये जितनी लेंथ होगी ना इसकी, ये थ्रेड की, उतनी इसको रेडियस बोलेंगे। तो इसने क्या बोला है, दोनों सेम होता है, इक्वल होता है, बराबर, हमको पता है। और इसी को क्या बोलते हैं, रेडियस। क्या बोलते हैं बेटा? रेडियस। व्हाट वाज द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल? ओके, अब ये हमको पूछा है, ये अभी फ्रेंड्स के साथ बनाना है ना, ठीक है ना, फ्रेंड्स जो आपके फ्रेंड्स ने ड्रॉन किया है उसके बेसिस पे इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर एक काम करना, आप ले प्रैक्टिकली दो तीन जन बनाना, बराबर, या तो हमारा जो ग्रुप है ना, यस, लेकिन ये जो ग्रुप हमने बनाया अभी ड्रॉ किया था, इसका आंसर स्मॉलेस्ट का हमने लिख दिया है ग्रुप ए। तो ये आप फ्रेंड्स के साथ बनाओ, बराबर, ऐसे, और फिर जब सबके सबसे जिसका स्मॉलेस्ट सर्कल हो ना, और वो स्मॉलेस्ट सर्कल का जो रेडियस होगा वो भी कैसा होगा, स्मॉल, तो उसका यहाँ पे लिख दें, व्हाट वाज द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल। तो चलो एक काम करते हैं हम लोग, फ्रेंड्स को छोड़ो, अभी हमने जो ग्रुप में बनाया ना, ये मैंने क्या बोला था, 1 मीटर है, ये रॉप कितना लंबा है, 1 मीटर, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट है ना, तो इसका हम लोग लिख देते हैं ग्रुप ए, उसके सामने लिख दो रेडियस, रेडियस इज 1 मीटर। मीटर की स्पेलिंग, फुल स्पेलिंग भी लिख सकते हो आप, मैंने शॉर्ट में लिख दिया 1 मीटर। ओके, चलो अभी देखो आगे, नेक्स्ट, ड्रॉ द रेडियस ऑफ द बैंगल यूजिंग अ रूरल, मेजर द लेंथ ऑफ द रेडियस। ओके, चलो इसके हम लोग को मेजर निकालना, पहले ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल रूरल। ओके, तो ये रूलर ले लिया मैंने, पहले इसे ड्रॉ कर दो ऐसे, देखो ये सेंटर पॉइंट है और यहाँ से ऐसे मैंने ड्रॉ किया। ओके, चलो बना दिया मैंने, लेंथ लिखनी है, लेंथ ऑफ द रेडियस, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ द रेडियस कितनी है, देखो, चलो ये रहा सेंटीमीटर, मैंने आपको समझाया था सेकंड चैप्टर जो हमने देखा था, लॉन्ग एंड शॉर्ट वाला दिख रहा है, और ये नीचे वाले को क्या बोलते हैं, इंचीज बोलते हैं, बड़ा जो मेज़र है ना इसको इंचीज बोलते हैं, पता है ना, ये यहाँ से यहाँ तक 1 इंच, यहाँ से यहाँ तक 2 इंच, ये 3 इंच, सर ये हाफ इंच है, और ये जो ऊपर वाला ये है, ये सेंटीमीटर है। चलो देखो, दिख रहा है सेंटीमीटर 0, चलो ये कितना है, 0 से कितना, यस 0 से 1.5 हो रहा है ना, यस और नो, बोलो तो सही, देखो 1 सेंटीमीटर, और फिर ये नहीं 5 भी नहीं आ रहा है, 4 तक आ रहा है ना, नहीं 5 है, सही, कम्प्लीटली 5 है, देखो ये 5 दिख रहा है, ये 5, ये 1 से लेकर ये यहाँ से ये 0 से ये 1 सेंटीमीटर हो गया, और फिर ये 5 दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक का 5 होता है, ये तो मैंने समझाया था 0 से 1, और ये यानी 1.5 है, रेडियस इज 1.5 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे, CM, नॉट अ कॉमन मैन और नॉट अ चीफ मिनिस्टर, इट्स अ बोलो सेंटीमीटर। चलो अगेन, ड्रॉ द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, अच्छा इसके रेडियस ड्रॉ करें, गैस विच सर्कल हैज द लॉन्गर रेडियस, चलो पहले गैस करो किसका रेडियस लॉन्गर होगा, यस ब्लू सर्कल का है ना, ब्लू, खाली पहले गैस करने को बोला है इसलिए हमने गैस किया, चलो ब्लू पहले, अब ड्रॉ कर लेते हैं, पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ ग्रीन सर्कल को। ओके, आप ये घर पे करना है बेटा ये कंप्लीट, अरे यार बाहर आ गया, अब आप लोग ध्यान ही नहीं देते हो, तो फिर मैं भी नहीं ध्यान दूंगा, और क्या, इसलिए बाहर आ गया, अच्छे से ध्यान दो तो पता चले। ओके, चलो लॉन्गर रेडियस है ना किसका, ब्लू, विच सर्कल हैज द लॉन्गर रेडियस, लिख दो यहाँ पे ब्लू सर्कल। नाउ मेजर द रेडियस ऑफ बोथ द सर्कल्स यूजिंग अ रूलर। ओके,
राइट द लेंथ ऑफ देयर रेडियस. चलो इसके पहले हम लोग लेंथ है ना वो लिख लेते हैं तो हमको पता चलेगा. देखो बेटा इसका तो मुझे 1 सेंटीमीटर लग ही रहा है. ग्रीन सर्कल है ना, देखो ये मैंने है ना 0 पॉइंट यहाँ पे रख दिया, ये दिख रहा है 0 और ये 1, थोड़ा सा अंदर ये 9th, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ तक 9 तक ही है. लेकिन हम लोग है ना 9 पूरा 1 ही ले लेते हैं. बराबर 1, एक सेकेंड. चलो अब ठीक है, अब हो रहा है ना, यानी 1 सेंटीमीटर. तो रेडियस ऑफ द ग्रीन सर्कल लिख दो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर. और ब्लू सर्कल का, ब्लू सर्कल का कितना है इसका, 1.5 लग रहा है ना. हाँ देखो 1.5 ही है, राइट. थोड़ा आगे पीछे होगा, 1 पॉइंट आगे पीछे होगा, एक्चुअली नहीं होना चाहिए. ओके तो मैंने लिख दिया, लेकिन 1.5 आपको 1.6 आया है तो भी ठीक है, 1.7 ओके. इसको आप 0.9 भी, ये 1 है ना एक्चुअली 0.9 दिख रहा है, तो आप 0.9 भी लिख सकते हो. सर 0 क्यों लिखा, क्योंकि पूरा 1 सेंटीमीटर, दैट्स वाई आई राइट 0.9. ओके सी, फाइंड आउट मेजर द रेडियस. यस यहाँ पे ध्यान दो मेरे बच्चों, नहीं ध्यान दोगे तो ये रेडियस समझ में नहीं है. अरे अच्छा ठीक है ठीक है. मेजर द रेडियस ऑफ द व्हील्स ऑफ अ बाइसिकल और अ बुलक कार्ट. यू कैन यूज अ थ्रेड और अ मेजरिंग टैप. ओके अब बाइसिकल आप चलाते हो, साइकिल चलाते हो ना, उसका व्हील्स है ना उसका निकालना है. कैसे निकालोगे, इसका सेंटर पॉइंट होता है, मान लो ये बाइसिकल का व्हील है तो इसका सेंटर पॉइंट है ना, हाँ जहाँ पे ऐसे 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 तार लगे होते हैं ना ऐसे ऐसे. ओके ये सेंटर पॉइंट है, ये थ्रेड ले लो ऐसे और ये इसको यहाँ पे ऐसे रख दो ऐसे, फिर ऐसे दबा देना और ये व्हील्स है ना व्हील ये लास्ट है ना यहाँ तक ऐसे रखो और एक ऐसा निशान बना दो, पेन या कुछ कलर के कुछ ले लेना और ऐसा ऐसा निशान बना देना, ऐसे ऐसे मार्क कर देना. फिर ये इसको मैंने मार्क, जैसे कि मानो अभी तो ये नहीं हो रहा है, मार्क कर दिया. फिर आप उसको क्या करना, मेजरिंग टेप होती है ना, यस जो टेलर होते हैं उनके पास होती है. मेजरिंग टेप नहीं लेना है तो हमारे पास स्केल तो है ही ना. फिर थ्रेड को आप है ना एक जगह अच्छे से बांध दो, या फिर थ्रेड को ये जो रूलर है ना हमारा स्केल उसके ऊपर रखो. इंचीज में करना होगा बेटा, सेंटीमीटर बहुत छोटा मेजर है. मानो ये 0 पे ऐसे मैंने रख दिया, ये ऐसे और मानो यहाँ तक आ रहा है, ये यहाँ तक, ये तक, ओके इतना आ रहा है. चलो तो ये थ्रेड ये कितना लंबा हुआ गिनो, ये 0 से 1 इंचीज, फिर 2 इंच, फिर 3 एंड 4, तो ये 4 इंचीज हुआ. कितना हुआ, 4 इंचीज. तो ये तो बहुत कम है, आपका जो टायर होगा ना व्हील साइकिल का वो तो बहुत ज़्यादा होगा, राइट. तो आप क्या करना ऐसे, मतलब अच्छे से मेजरमेंट निकालना, कम से कम मैं बताऊँ 13 या 14 इंचीज होगा उसका, राइट. और फिर बुलक कार्ट, बुलक कार्ट का भी अब मिले तो करना, अदरवाइज चलेगा. आर ऑल द व्हील्स ऑफ अ बाइसिकल और बुलक कार्ट ऑफ द सेम रेडियस, नो. इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, नो सेम नहीं होता है, क्योंकि बुलक कार्ट जो है ना उसका व्हील बड़ा होता है बेटा, वो है ना आपको बताऊँ अराउंड 20 इंचीज के आसपास होता है, 18 या 20 इंचीज होता है, यानी इतना. अब मैं आपको कैसे, बहुत बड़ा होता है, यहाँ पे वीडियो के कैमरा भी छोटा पड़ रहा है, बहुत बड़ा होता है और साइकिल का उससे छोटा होता है. हैव यू सीन अ ट्रैक्टर और अ रोड रोलर. रोड रोलर देखा है ना आपने, जिससे रोड बनता है ना, आपकी सोसाइटी में कहीं रोड रोलर देखा होगा. अभी मैं ड्रॉ करके नहीं बता रहा हूँ लेकिन आपने देखा ही होगा ना. ओके और ट्रैक्टर भी देखा है तो इसका आंसर लिखो यस. इसको नोटबुक में करना है, हाँ अरे सॉरी नोटबुक में मत करो, कि करना है ये नोटबुक में करना है. देखो ये सारा क्वेश्चन ये मैं टिक कर रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन नोटबुक में करना है, ये भी नोटबुक में करना है, देन ये चलेगा, ये इसी के अंदर कर देना बस. ये ड्रॉ करना है इसीलिए नोटबुक में करना, ठीक है. विच इज़ द बिगेस्ट व्हील यू हैव एवर सीन. यस चलो इसका आंसर मुझे कौन बताएगा, मैं इसका आंसर लिखता हूँ. आप सोच में पहले तब तक गैस करो, द बिगेस्ट आपने सबसे बड़ा व्हील कौन सा देखा है. द बिगेस्ट व्हील आई हैव सीन, आई हैव एवर सीन लिखता हूँ. ओके आई हैव एवर सीन इज द, चलो सबसे बोलो बड़ा कौन सा है देखा है बताऊँ मैं, अब लिखने जा रहा हूँ, मैरी गो राउंड. मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड यही पता है ना, आप चकडोल बोलते हो ना,
सिंपल लैंग्वेज में सर, हम तो मेले में गए थे घूमने, चकडोल थी बड़ी सी, दैट इज अ बड़ा सा व्हील था ना, द बिगेस्ट व्हील आई हैव एवर सीन इज द मैरीगो राउंड। ओके, मैरीगो राउंड का कितना बड़ा होता है ना। आर ऑल व्हील्स ऑफ अ ट्रैक्टर और रोड रोलर ऑफ द सेम रेडियस? नो। इसका भी आंसर क्या लिखेंगे? नो। ओके, इसका फुल आंसर भी लिख सकते हो, नो। ऑल व्हील्स ऑफ अ ट्रैक्टर और रोड रोलर आर नॉट द सेम रेडियस, ऐसा भी आंसर लिख सकते हो, फुल आंसर। ओके चलो, मैरी गो राउंड देखा ना अपने सबने। यस, क्या लिखा है? लाली एंड काली आर टाइड टू अ पोल विथ रॉप्स। ओके, ये दोनों बंधे हुए, देखो ये पोल है ना, डंडा दिख रहा है ना, कपड़े सूख रहे वहां से। काली और लाली दोनों कौन लग रही, बकरियां लग रही क्या, पता नहीं क्या है, गॉड्स है। अच्छा, घास खाने का सोच रही है ना, गॉड ही होगी। काली हैज अ लॉन्गर रॉप, ये रही देखो काली, उसका लॉन्गर रॉप है। हु कैन लुक फॉर मोर ग्रास टू एट। ओके, कौन दिख रहा है कि जो सबसे मतलब ज्यादा ग्रास कौन खा पाएगा, लाली की काली, ऑब्वियसली काली खा पाएगी ना, तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, काली, क्योंकि काली का जो रॉप है ना वो कैसा है बेटा, बड़ा है, राइट, तो काली ज्यादा खा पाएगी। चलो, अब ये है ना दर्जी डिजाइन, वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, अभी मैं आपको थोड़ा वर्कबुक में दे देता हूँ वर्क। ओके, दे बेटा वर्कबुक के अंदर बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स मिलते हैं। एक सर्कल दिया हुआ है, इसको आपको लिखना है नोटबुक के अंदर, ये पूरा लिखना है, ये यहाँ तक। ओके, क्या समझाया कि दिस इज अ फिगर ऑफ सर्कल, देखो इसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, है ना, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, राइट, लेकिन रेडियस के सिवा ये जो है ना, ये फिर ये बड़ा एकदम स्ट्रेट लाइन है ना, सी और डी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। इसीलिए मैं ना आपको बोलने को लिखने के लिए, देखो इसके अंदर पढ़ते हैं हम लोग, वी कैन ड्रॉ इट बाय अ कंपास और बाय यूजिंग थ्रेड। ओके, यानी हम लोग, हाँ ठीक है, हम थ्रेड से भी ड्रॉ कर सकते हैं। द पॉइंट ओ इज कॉल्ड, ये पॉइंट ओ दिख रहा है ना, इसको पॉइंट बोलते हैं ना, मैंने बोला था ना अभी, सेंटर पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सेंटर है सर्कल का। द लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज अ चॉर्ड। ओके, ये लाइन सेगमेंट दिख रहा है, ये टू पॉइंट है ना सर्कल के ऊपर का, कोई भी दो पॉइंट, कोई भी टू पॉइंट, जो पॉइंट में से नहीं, कोई भी, मानो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, मानो एक और मैं पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूँ, मानो ये मैंने पी और क्यू ड्रॉ किया, तो ये पी और क्यू, ये दिख रहा है पी और क्यू, यानी कर्व्ड एरिया है ना, उसके ऊपर के दो पॉइंट है ना वो जुड़ जाए, ये जुड़ता है ना उसी को लाइन सेगमेंट बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, चौड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चौड़। क्या बोलते हैं? चौड़। द लाइन सेगमेंट सी डी, देखो ये सी और डी है ना, ये चौड़ भी है, ये सबसे बड़ा चौड़ है, और इसी को हम डायमीटर भी बोलते हो। मानो इसका आपको राइट और रॉन्ग क्वेश्चन पूछा है तो आप लिख सकते हो कि सबसे बड़ा चौड़ क्या होता है, तो डायमीटर को सबसे बड़ा चौड़ बोलते हैं। ओके, द लाइन सेगमेंट सी डी, ये रहा सी डी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ओके, ये जो है ना इसको डायमीटर बोलते हैं, और इसको चौड़ भी बोलते हैं, चौड़ बहुत सारे होते हैं, डायमीटर भी बहुत सारे हो। देखो ये डायमीटर हुआ, मानो अब ये मैं ये बना रहा हूँ, ये भी डायमीटर है, लेकिन डायमीटर हमेशा कैसे होता है, एक पॉइंट के ऊपर से निकल के सर्कल के दूसरे पॉइंट के ऊपर ऐसे जॉइंट होता है, बट वो निकलता कहाँ से है, सेंटर पॉइंट में से निकलता है, यहाँ से निकला, सेंटर पॉइंट में से होके दूसरे पॉइंट पे जुड़ जाता है, तो उसको डायमीटर बोलते हैं, लेकिन एक पॉइंट से यहाँ से निकल के दूसरे पॉइंट में जुड़ता है, जॉइंट होता है, लेकिन सेंटर में से नहीं निकल रहा। देखो ये सेंटर में से निकला, ये सेंटर तो यहाँ पर है, सेंटर में से नहीं निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड चॉर्ड। और सेंटर में होके निकले, जैसे ये ई है, ई यहाँ से निकला, ओ में से निकल के यहाँ पे आ गया, ई में से ओ में से निकल के यहाँ पे आ गया, मानो यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ मैं एफ, तो ई एफ है ना, ये डायमीटर हो गया। क्या हो गया बेटा? ये डायमीटर। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे? डायमीटर। ओके, फिर से बोल रहा हूँ मैं, मान चलो ये इसको चौड़ बोलेंगे, क्या बोलेंगे? देखो एक पॉइंट से निकला, दूसरे पॉइंट में मैच हो गया, दैट इज चौड़। तो कोई पूछे आपको कि भाई सर्कल का सबसे बड़ा चौड़ क्या है, तो ये जो डायमीटर है ना, डायमीटर, उसी को चौड़ बोलते हैं। थ्री वर्ड्स हमने देखे, फर्स्ट हमने देखा रेडियस, फिर हमने देखा चौड़, और फिर हमने देखा डायामीटर। क्या देखा हमने? डायमीटर। रेडियस मतलब सेंटर पॉइंट में से निकल के कर्व एरिया के ऊपर ऐसे जॉइंट हो जाए, दैट इज कॉल्ड रेडियस। चौड़ यानी एक पॉइंट से निकल के दूसरे पॉइंट पे मिल जाए, लेकिन दोनों पॉइंट का होने चाहिए, सर्कल के ऊपर होने चाहिए और सेंटर में से निकलने नहीं चाहिए, तो उसको चौड़ बोलेंगे। लेकिन सेंटर में से निकले ना, उसको भी चौड़ तो बोलेंगे, लेकिन उसका अनदर नेम है डायमीटर।
और यानी चौड़ जो है ना, चौड़ इसको हम लोग सभी चौड़ जो होते, सभी चौड़ डायमीटर होते नहीं है, समझ में आ रहा है? लेकिन सभी डायमीटर, मानो ये डायमीटर सेंटर में से निकले, यहाँ से निकला, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे जोड़ जुड़ जाता है, तो सभी डायमीटर जो है वो चौड़ बोल सकते हैं। ओके चलो, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दिए, इसके आंसर आप लोग को खुद लिखना है, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवा दूंगा, या फिर कभी दूसरे अगेन कोई अनदर लेक्चर्स में करवाऊंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, बस 4 तक, क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको होमवर्क में दिया है मैंने। ओके, और वो बुक का वो भी करना बेटा, आएगा। देखो हमको एक चीज़ पता चलती है, क्या ये जो रेडियस है ना, रेडियस, ये रेडियस यानी कि दो रेडियस, ये एक रेड, ये दोनों रेडियस मिलके क्या बनता है, डायमीटर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डायमीटर जो है ना वो हमेशा रेडियस का, बोलो, रेडियस का डबल होता है। मानो डायमीटर 50 है, देखो ये 50 हो, ये 50 हो, तो डायमीटर कितना होगा, उससे हाफ, ये रेडियस उसका हाफ होगा, यानी 50 सेंटीमीटर डायमीटर, तो रेडियस कितना होगा, 25। अगेन आई एम रिपीटिंग, रेडियस जो है ना, दो रेडियस हम लोग ज्वाइंट करेंगे ना, एक ये रेडियस और एक ये रेडियस, तो दोनों रेडियस मिलके क्या बनता है, डायमीटर। ओके, यानी रेडियस डबल रेडियस तो डायमीटर बने, और डायमीटर का हाफ यानी आधा तो रेडियस बनता है। डायमीटर का हाफ यानी रेडियस, और डबल रेडियस यानी डायमीटर। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर रेडियस है, तो डायमीटर कितना होगा, 20। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 आपको करना है। ओके, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।